हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सबसे आसान तरीके से घी बनाने की प्रोसेस देखेंगे। इसमें आपको कोई ग्राइंडर या फिर कोई मथने की भी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में हम जो मावा बचेगा उसे सबसे टेस्टी हलवा हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दूध को उबाल के 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद जो मलाई ऊपर जमा हुई है वो एक बड़े डिब्बे में आप स्टोर करते जाएंगे। और ये डब्बा मैंने फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखा हुआ था। यहाँ मैंने गाय के दूध का यूज़ किया हुआ है। और अगर आप बफेलो मिल्क का यूज़ करते हैं तो कम या ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई इकट्ठी हो सकती है। यहाँ पे मैंने 7 दिन की मलाई इकट्ठी की हुई है। अब एक नॉनस्टिक पैन को धीमी आंच पर रख के मलाई को उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और मध्यम आंच पे उसे पिघलने दें। बीच बीच में आप स्टर करते रहिए। मैं ये प्रोसेस से घी निकालती हूँ, आप कौन सी प्रोसेस से घी निकालते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मलाई पिघल जाए तब बीच में एक स्पैटुला रख दे। और आपको यहाँ पे कंटिन्यू स्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते करते बीच बीच में आप इसे स्टर करते रहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि घी पैन की एजिस पे निकलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि घी अब निकलना अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। Thank you.
अब यहाँ आप देख सकते हैं कि घी ऊपर आता जा रहा है और मलाई भी अब लाइट ब्राउन होती जा रही है। जब मावा पूरी तरह डार्क ब्राउन हो जाए तो घी को आप एक बाउल में छान लीजिए। अब यहाँ पे हम एक बड़ा सॉस पैन लेंगे और उसमें हम हाफ कप गुड़ का पाउडर लेंगे। उसके बाद उसमें आधा ग्लास के करीब आप पानी डाल दीजिए और यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बॉईल लाना है। यहाँ पे हमें कोई तार नहीं, कोई चाशनी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे एक बॉईल लेना है। अब हमने जो मावा रखा हुआ था पैन में वो हम गैस पे धीमी आंच पे रख लेते हैं। उसके बाद मैंने बीच में यहाँ पे 4 बड़ी चम्मच सूजी डाली है, उसे मैं अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ और ये लगभग 2 या 4 मिनट पे ये रोस्ट हो जाएगी। और ये जो उसके बाद मैंने बीच में इलायची का पाउडर भी डाला हुआ था। अब जब ये रोस्ट हो जाएगी तब हमने जो वो गुड़ का पानी बनाया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और फिर उसे कंटिन्यूस हम स्टर करते रहेंगे। तब तक स्टर करेंगे जब तक ये ठीक, ये जो मावा है हमारा वो ठीक ना हो जाए और वो अच्छे से उसकी जो बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, तब तक हम इसे स्टर करते रहेंगे। बाद हम एक बड़ी प्लेट में उसे अच्छे से उसे डाल देंगे और उसके बाद उसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे हमारा टेस्टी हलवा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए।